सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत का पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम। आप सभी को मालूम होगा कि मंगलम पाठ में पूरे एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 मंत्र संकलित है और इन 5ों मंत्रों को पढ़कर उसका हम लोग अर्थ जानेंगे। साथ ही इन सभी मंत्रों का व्याख्या किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन आज की इसी वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला श्लोक का सोल्यूशन कह लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला श्लोक देख पा रहे हैं, पहला श्लोक में दिया गया है कि हिरण्मयेन पातेन सतस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुष्णा पावरीनु सत धर्माय दिष्टये। इसका सान शब्द में अर्थ जानिए। कहता है कि हिरण्मयेन पातेन सतस्य मुखं अपिहितं, यानी सत्य का जो मुख है उस सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। तत्त्वं यानी आप इसे पुष्णा पावरीनु सत धर्माय दृष्टये। तो हे सूर्यदेव या हे भगवान या हे परमपिता परमेश्वर, आप इस सत्य का जो मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है उस आवरण को हटा दीजिए ताकि सत धर्माय दृष्टये यानी सत धर्म की प्राप्ति हो सके, सत धर्म को देखा जा सके। अब इसका आइए हम लोग व्याख्या जान लेते हैं कि आखिर यह श्लोक यदि एग्जाम पेपर में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि हिरण्मयेन पात्रे सतस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुष्णा पावरीनु सत धर्माय दिष्टये, इसका व्याख्या कीजिए। देखिए, आसान शब्दों में व्याख्या कीजिएगा कि दी गई श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम के प्रथम श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है या उद्धृत है या लिया गया है। इस श्लोक में विद्वानों के द्वारा बताया गया है कि सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है और सत्य का प्राप्ति के लिए, सत धर्म की रक्षा के लिए, सत्य का ज्ञान होने के लिए आप इस आवरण को हटा दीजिए ताकि हमें सत्य का ज्ञान हो सके, सत्य की प्राप्ति हो सके, है ना जी। उसके बाद में आइए अगला श्लोक को देख लेते हैं। अगला श्लोक कहता है कि अरुण अणियान महतो मयान आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम तमह क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादानाम महिमात्मनः। इसका अर्थ होता है अरुण अणियान महतो महियान, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। आसान शब्द में कहें तो महीन से महीन यानी अणु से भी छोटा और बड़ा से बड़ा आत्मा जंतु निहितो गुहायाम, मनुष्य के या जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तमह क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादानाम महिमात्मनः। जब उसका ज्ञान एक मंद बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला इंसान के लिए उसका ज्ञान हो जाता है तो एक मंद बुद्धि वाला इंसान भी आत्मा की महानता को जानकर बीत शोक हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। अब आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं। आसान शब्द में लिखिएगा कि दिए यह श्लोक हमारी संस्कृत की, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम के कठोपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा निवास करती है। जब उसका ज्ञान एक मंद बुद्धि वाले इंसान को भी हो जाता है तो आत्मा की महानता को जानकर शोक रहित हो जाता है, वीत शोको धातु प्रसादानाम महिमात्मनः। चलिए अगला श्लोक को देख लेते हैं कि सत्यमेव जयते न अनितम सते निपंथ विदतो देवयानः। इसका अर्थ होता है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही जीत होती है। यह आप सभी को मालूम होगा, है ना जी। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। ना अनृतम, ना अनृतम यानी झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विदतो देवयानः, सत्येन आप सही बालक का सद्रूप याद कर देखिए। बालक पे ऑलरेडी हम उसका सद्रूप का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं, यदि आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। बालक का सद्रूप आसानी तरीके से समझ जाइएगा तब आपको संस्कृत को पढ़कर उसका अर्थ निकालने का तरीका आप सभी को मालूम हो जाएगा। देखिए कहता है कि सत्येन पंथा विदतो देवयानः यानी सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है, यानी देवताओं का मार्ग जो है वो सत्य के द्वारा ही विस्तारित होता है। एना क्रमंतस्य ऋषियो हात काम यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, यानी सत्य धर्म की प्राप्ति करने के लिए, सत्य धर्म पे चलने के लिए यही एक अच्छा मार्ग है और यही सत्य का परम निधान है, है जी।
अब इसका आसान तरीके से व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगे कि दी गई श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के प्रथम अध्याय मंगलम के कठोप नहीं बल्कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में या इस श्लोक में इस मंत्र में विद्वानों के द्वारा महारथियों के द्वारा या ऋषियों के द्वारा हमें ये बताया गया है कि सत्य की ही जीत होती है और झूठ की नहीं। सत्य एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झूठला नहीं सकता है और झूठ एक ऐसा झूठ है जो झूठ के सहारे आप कोई भी बाजी को नहीं जीत सकते हैं। इसमें बताया गया कि सत्य के द्वारा ही देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है और सत्य धर्म की प्राप्ति करने के लिए यही सत्य परम निधानम, यही सत्य का परम निधान है ना जी। चलिए अगला श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि यथा नद्ध अस्यंद माने समुद्रे अस्तम गच्छन्ती नाम रूपे विहाय। अर्थात यथा नद्ध, आप सभी को मालूम होगा कि नद्ध नद्धौ नद्ध नदी सब जी। देखिए यथा नद्ध जिस प्रकार नदियाँ अस्यंद माना समुद्रे अस्तम, जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलकर गच्छन्ती जाकर या मिलकर नाम रूपी विहाय, नाम रूप को त्याग कर देती है, नाम रूप से विमुक्त हो जाती है। तथा विद्वान, यहाँ पे लिखा गया है तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात परम पुरुष नुपैति दिव्यम। उसी दोस्तों इसका आसान अर्थ होता है कि जिस प्रकार नदियाँ समुद्र, नदियों को समुद्र मिलने के बाद उनके अस्तित्व का पता नहीं चलता है, ठीक उसी प्रकार एक विद्वान पुरुष यदि दिव्यता को प्राप्त कर जाता है तो उसके नाम रूप का पता नहीं चलता है। अगला श्लोक कहता है कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस परस्परात् तमेव विदित्वमेति मृत्युमेति न अन्य पन्था विदतो देवयानः। अर्थात कहता है कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, यानी वेद उस महान पुरुष के समान है, आदित्य वर्णम तमसा परस्पराप, यानी आदित्य के मतलब होता है सूर्य भगवान। जिस प्रकार से सूरज की रोशनी होती है ठीक उसी प्रकार से विद्वान के, एक महान विद्वान की जैसा जो वेद है वो महान पुरुष के समान है। अगला लाइन कहता है कि तमेव विदुत्वमेति मृत्युमेति, वेद की महानता को जानकर, वेद की ज्ञानता को जानकर विदित्वमेति मृत्युमेति विद्वान पुरुष मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। ना अन्य, नहीं 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 नहीं, ना अन्य यानी इसके सिवा कोई अन्य पंथा मार्ग विदते आना, यानी इसके सिवा कोई अन्य मार्ग नहीं है, अगर है तो विदते अनाय आप उसे बताइए। कहता है कि वेद उस महान पुरुष के समान है जिस प्रकार सूरज की रोशनी में तमाम लोग रोशनी युक्त रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से वेद महान पुरुष के समान है। वेद की ज्ञानता को जानकर एक मंद बुद्धि वाला इंसान भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, इसके सिवा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का कोई अन्य मार्ग नहीं है, यदि है तो बताइए। आसान शब्दों में इसका आप विग्रह कर सकते हैं और इसका व्याख्या कर सकते हैं। कैसे कहिएगा कि दी गई श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पाँचवा श्लोक श्वेताश उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से विद्वानों के द्वारा बताया गया है कि वेद उस महान पुरुष के समान है जिस प्रकार सूरज की रोशनी महान होती है, उसी प्रकार से वेद महान पुरुष के समान है। वेद की ज्ञानता को जानकर, वेद के ज्ञान को जानकर एक कम बुद्धि वाला इंसान भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का कोई इससे आसान मार्ग नहीं है, यदि है तो बताइए। आगे आने वाली वीडियो लेक्चर में हम आप सभी को बताएंगे कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है उन सभी क्वेश्चनों का आंसर किस प्रकार से किया जाएगा। साथ ही अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू, जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर काफ़ी ही बेहतर तरीके से आगे आने वाली पार्ट में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक लिए आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत